ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आपसे कुछ सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की दिवाली फोटो एडिटिंग। तो गाइस, इस वीडियो में गाइस मैं जितने बैकग्राउंड पीजीज का यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, ये जो हमारी वीडियो है काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाली है। सो गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज हर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज, आप सभी को सबसे पहले करना है क्या गाइज, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइज, आपको जाना है ऐसे गाइज ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज, यहाँ से सबसे पहले आपको ऐड करना अपने मॉडल को, जिसका गाइज आप सभी को यहाँ पे लगाना है गाइज, ठीक है। जो मतलब आपके यहाँ पे मॉडल के लिए यूज करने वाले उस मॉडल को यहाँ पे ऐड करना है। तो गाइज, यहाँ पे मैंने जो अपने मॉडल का पहले से बैकग्राउंड रेस कर रखा है, एंड उसका अगर जिस भाई को नहीं आता बैकग्राउंड रेस करना तो गाइज उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग जाके इजीली चेकआउट कर लेना। अब गाइज बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज, आप जब जैसे अपने आप पे मॉडल को ऐड कर लोगे, ठीक है, तो साइज आपको इतना रखना गाइज, ठीक है, बैकग्राउंड से, मतलब क्योंकि यार मेरे को तो थोड़ा स्पेस छोड़ना है क्योंकि ऊपर की तरफ में जो है हम फुल जड़िया लगाएंगे। तो कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे हम इसको डन करते हैं, एंड इतना कर देने के बाद गाइज यहाँ पे क्या करना, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। एंड गाइज, यहाँ से आपको फुल जड़ी एंड उसका जो ऊपर के जो फायर वाला पीएनजी, दोनों को आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। दोनों का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको। तो गाइज, पहले मैं इसको एक साइड में रखता हूँ इस वाले पीएनजी को, एंड यहाँ पे लेते हैं इस वाले पीएनजी को जो हमें अपने हैंड पे ऐड करना है। तो गाइज, आपको साइज क्या रखना है, कुछ इस टाइप से रखना है कि गाइज मतलब आपको जब वो दूसरा जो फायर वाला पीएनजी वो लगाने के लिए भी जगह बच जाए, आपको इस तरीके से यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो इसको आपको कुछ इस टाइप से ऐसे रख लेना अपने हैंड के पास, एंड यहाँ पे रेजर टूल में जाके यहाँ पे गाइज आपको रेजर का जो हार्डनेस है यहाँ पे फुल कर देना है। एंड गाइज, उसके बाद जो है साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेना आप सभी को। तो यहाँ पे मैं साइज को मेंटेन कर लेता हूँ पहले। एंड गाइज, उसके बाद आपको सिंपली अपने फिंगर के पास से कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे रेज कर लेना है, ताकि गाइज जो ये है कि ऐसा लगे कि जो हमारा पीएनजी जो आप हमारे फिंगर के पीछे, ठीक है। तो आप सभी कुछ इस टाइप से रेज कर लेना है, एंड मैं नीचे की तरफ से भी यहाँ से रेज कर लेता हूँ, एंड जो फटाफट जितना भी एरिया है उसको मैं कर लेता हूँ, बाकी जो आगे क्या करना है आपको वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे तो हमारे इतना ही रेज हो चुका है, अब हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं डन। एंड गाइज, ये जो दूसरा वाला पीएनजी था हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे सिंपली। एंड इसको लेने के बाद क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे हम लैंडिंग मोड में जाएंगे, इसको कर देंगे स्क्रीन, एंड स्क्रीन कर देने के बाद गाइज आपको कुछ इस टाइप से आपको इसको पीएनजी को यहाँ पे कुछ इस टाइप से लगा देना है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से लगा देना है, एंड इतना कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे डन कर देना है। अब गाइज, इतना तो हो गया हमारा काम, ठीक है। तो अब गाइज, यहाँ पे हमें कुछ फायर के पीएनजी और लगाने, तो उसके लिए जाएंगे हम ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज, ये पार्टिकल है जो फायर का पार्टिकल पीएनजी है, हम इसको लेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे जाएंगे ब्लेंडिंग मोड में, एंड इसको कर देंगे स्क्रीन, ठीक है गाइज। इतना स्क्रीन कर देने के बाद आपको फिर गाइज इसको ऐड कैसे करना है गाइज वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर गाइज आप लोग डायरेक्ट लगाओगे तो गाइज देखिए कुछ इस टाइप से दिखेगा, बट गाइज आपको यहाँ पे इसको थोड़ा जूम करके कुछ इस टाइप से ऐसे लगाना है, ताकि जो गाइज इसका जो पार्टिकल से दूर दूर हो जाए, एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेना है आपको। एंड कुछ इस टाइप से आपको स्क्रीन को जो है बड़ा करके, मतलब इस पीएनजी को थोड़ा सा साइज बड़ा करके, एंड कुछ इस टाइप से आपको ऐड करना है, ओके। सो इतना कर देने के बाद आपको सिंपली डन कर देना है। अब गाइज क्या करना है, आप सभी को यहाँ से जाना टूल्स में, फिर जाना आपको एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइज आपको थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ानी है, रेजर टूल में जाके आपको उसको करना इन्वर्ट। अब गाइज, जैसे जो पी आई मैंने गाइज इस लैब से करवाया, ताकि गाइज आप लोग जो है इसका साइज कुछ इस टाइप से रख के, एंड इसको आपको अपना फेस के ऊपर कुछ इस टाइप से पेंट करना है, जिससे क्या होगा कि गाइज जो आपके ने जो फुल जड़ी पकड़ रखी है गाइज उसका जो रिफ्लेक्शन है आपके ऊपर पड़ रहा है। तो गाइज ये दिखाने के लिए मैंने आप सभी चीज़ करवाया, ठीक है। तो गाइज ये चीज़ आप सभी को भी करनी है, तो थोड़ा सा मतलब रियलिस्टिक दिखाने के लिए गाइज ये चीज़ें करनी पड़ती है, तो आप लोगों को भी करना है। बट गाइज अभी आप में से कुछ भाइयों को ऐसे लग रहा हो कि यार ये तो अभी यार कुछ ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो गया, बट गाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी हम इसका जो ओपेसिटी वगैरह है वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे। बट हमें जितने एरिया में चाहिए हम पहले उतने एरिया में पेंट कर लेते हैं उसको, फिर गाइज आपको क्या करना आगे वो मैं आप सभी को आगे बताता हूँ, ठीक है। तो इतना हम फटाफट करते हैं यहाँ पे, एंड आगे का प्रोसेस मैं आप सभी को बता देता हूँ। ओके गाइज, सो इतना बताने के बाद गाइज आपको ओपेसिटी जो है यहाँ से आपको सिंपली मैनेज कर लेना है, एंड मैनेज करने के बाद आपको सिंपली डन कर देना है। ओके गाइज, सो इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइज, यहाँ पे आपको अपनी फोटो को सेव कर लेना है, एंड इसको लेकर चलना है ऐसे गाइज लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइज बिना रिटच के तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है। तो हमने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया, गाइज जाना आपको स्लाइड वाला ऑप्शन में, एंड इसका थोड़ा कॉन्ट्रास्ट आपको उसको बढ़ा देना है। एंड गाइज इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ मिलेगा हाईलाइट, गाइज आपको जो हाईलाइट है इसको गाइज थोड़ा सा प्लस कर देना है। एंड गाइज इसके बाद जो शेडो है गाइज इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना आप सभी को। एंड नीचे गाइज आपको यहाँ पे मिलेगा व्हाइट, आपको गाइज थोड़ा सा व्हाइट है जो इसको थोड़ा सा कम कर देना है, एंड जो ब्लैक है गाइज इसको भी थोड़ा सा कम कर देना है। फिर गाइज आपको जाना है ऐसे कलर्स वाले ऑप्शन में,
कलर्स वाला ऑप्शन में जाने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, पहले यहाँ से कलर्स वाले में चलते हैं, फिर आपको यहाँ से थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ा देना है एंड थोड़ा सा जो टेम्परेचर इसको कम कर देना है। फिर गाइस आपको जाना मिक्स में एंड उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन थोड़ा सा माइनस कर देना है एंड गाइस इसका जो लुमिनस है थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, आपको लेना है ग्रीन कलर, गाइस आपको उसका थोड़ा ह्यू माइनस कर देना है एंड जो सैचुरेशन इसको भी थोड़ा माइनस कर देना है। फिर गाइस आपको लेना है रेड कलर, आपको गाइस इसका थोड़ा सा ह्यू माइनस की तरफ कर देना है एंड सैचुरेशन प्लस की तरफ। फिर गाइस इतना कर देने के बाद आपको लेना गाइस यहाँ से आपको डार्क ब्लू, ठीक है, तो यहाँ से हम डार्क ब्लू लेते हैं एंड गाइस इसका जो ह्यू है आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे गाइस, ठीक है, डार्क ब्लू स्काई ब्लू दोनों में से कुछ भी रख सकते हो एंड सैचुरेशन आपको प्लस ही करना है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली डन कर देना है एंड गाइस जाना है यहाँ से कलर्स के नीचे वाले टूल में। कलर्स के नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्लियरिटी को बढ़ा देना है एंड गाइस जो यहाँ पे विग्नेट होगा वो आपको हल्का सा डाल देना है, मतलब अपने अकॉर्डिंग डाल देना, आप जितना चाहो उतना डाल सकते हो विग्नेट। एंड उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको हमें ग्रेन माउंट मिलेगा, आपको उसको बढ़ा देना है, जाना नीचे वाले टूल में। फोटो को जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज कर देना है, जो गाइस नोड रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है, नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं जो हमारी फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने आ चुका है। तो अभी गाइस हमें जाना है सिलेक्टेड टूल में एंड गाइस यहाँ से आप सभी को सर्कल वाला ऑप्शन लेना है एंड गाइस उसके बाद आपको कुछ इस टाइप से जो लाइट वाला एरिया है जहाँ पे आपको कोने में दिख रहा होगा सिंपली वहाँ पे आपको एक सर्कल क्रिएट करना है एंड गाइस वहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से एक ब्राइटनेस एक्सपोजर है जो यहाँ पे इंक्रीज कर देना है ताकि जो उसका रिफ्लेक्शन है आपके कपड़ों के पास तक आ जाए। फिर जाना आपको कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको टेम्परेचर को पूरा माइनस की तरफ और प्लस की तरफ कर देना है एंड गाइस उसके बाद आपको थोड़ा सा इसको आगे की तरफ ले जाना है ताकि गाइस उसका रिफ्लेक्शन अच्छे से दिख सके एंड उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको डन कर देना है एंड गाइस आप देख सकते हो हमारा जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस मैं मिलता हूँ सबसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।